नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बड़े इंतज़ार के बाद और कुछ काफ़ी लोगों की जो असमंजस की स्थिति वो क्लियर हो जाएगी। तलाश थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष की। जैसा कि हरिप्रसाद शर्मा जी ने इस्तीफा दे दिया था, तो उसके बाद ये था कि अब कौन बनेगा और क्या भर्तियाँ जो है पूरी होगी समयबद्ध तरीके से। तो अब बात करते हैं इसके लिए। अब चयन बोर्ड के अध्यक्ष आ चुके हैं रिटायर्ड मेजर जनरल आलोक राज, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हो गए हैं। सरकार ने देर रात रिटायर्ड मेजर जनरल आलोक राज को कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। सितंबर अक्टूबर में सूचना सहायक भर्ती, कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती, संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती, संविदा नर्सेज भर्ती, संगणक भर्ती, प्रवेशक भर्ती, कृषि प्रवेशक भर्ती, सुपरवाइजर भर्ती होनी है। पूर्व अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा का कार्यकाल 7 अक्टूबर तक था, लेकिन उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया। गौरतलब है कि नए अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव 12 अगस्त से अनशन पर बैठे हैं। तो अनशन पर बैठे थे उपेन यादव। और बात करें अब भर्ती प्रक्रिया समयबद्ध होने की, पूरी पूरी गुंजाइश है। ज़्यादा भी हुआ तो 15 से 20 दिन, इससे ज़्यादा परीक्षा आगे नहीं होगी और समयबद्ध तरीके से हो जाएगी, अब यहीं लगता है। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष नए हैं आलोक राज, पूर्व मेजर जनरल। नमस्कार।